के बारे में आप सब लोगों को पहले से जानकारी है, रफेल वाला घोटाला 1,30,000 करोड़ के आसपास है, क्योंकि 56 इंच की सरकार है तो 56 करोड़ की घोटाला उन्होंने करने की आवश्यकता समझा। आप ईमानदारी तो है इसमें, 56 इंच वाली सरकार है, मोदी जी 56 इंच बोलते हैं तो 56 करोड़ की जो है घोटाला भी कर चुके हैं। अब 56 करोड़ वाले घोटाला को सुन लीजिए कहानी, 13,000 रुपये के आसपास जो है ये टैब उन्होंने खरीदा, तो टैब का नाम जो है एक HP Pro 8 है, और आप जो है सब लोग के पास मोबाइल तो है ही, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि HP Pro 8 आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी भी जो आप खरीद भी नहीं पाएंगे, मार्केट में है ही नहीं, टैब अप्रूव नहीं है, उसको खरीद के आपको दे दिया। और ये सब जो है टैब खराब पड़े हुए हैं, बांटे नहीं गए क्योंकि चल नहीं रही है और सरकार के पास पड़ी हुई है। तो पनिकर जी को जो CEO बना दिया, अब किसने बनाया, रघुवदास जी जवाब दें। अब रेणुका पनिकर जी कहां पर है, रघुवदास जी उसकी क्वालिफिकेशन क्या था, कुछ नहीं। कंबल घोटाला में 10 लाख कंबल जो है का ठेका दिया गया था इस नए CEO के माध्यम से, जो जमशेदपुर की लड़की है बिना क्वालिफिकेशन का। CAG के रिपोर्ट के अनुसार ये बहुत बड़ा घोटाला, लेकिन FIR नहीं हो रहा है सरकार के खिलाफ। अब NH-33 भी अगर आप घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे तो आप बताइएगा कि सरकार कहते हैं कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं TV रेडियो में आप विज्ञापन के माध्यम से अखबार के माध्यम से आप सुनते हैं, ये NH-33 जो सरकार बना नहीं पाई है, गृह जिला है, गडकरी जी आकर बोल दिए कि सी प्लेन उतार देंगे। सी प्लेन तो सचमुच में उतारने की स्थिति आ गई है, क्योंकि पूरा रोड तो तालाब बन गया है, सी प्लेन तो वहीं पर उतरेगी। अब